वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आलिया भट्ट का ये वाला मेकअप लुक, जो इनकी न्यू रिलीज मूवी है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इसमें जो ढिंडोरा बाजे रे सॉन्ग है, इसमें आलिया भट्ट ने ये वाला लुक क्रिएट किया था। तो आज मैं इनसे इंस्पायर होकर ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। तो सो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। सो गाइस, मैंने यहाँ पे स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया था। तो फर्स्ट मैं अप्लाई करूँगी नायका का प्रेप मी अ फेस प्राइमर। सो मैं इसे अपने फिंगर टिप पर थोड़ा सा लेके अपने टी जोन एरिया पर अप्लाई करूँगी, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है। सो इसे हमें प्रेस करके धीरे धीरे से पूरे टी जोन पर अप्लाई करना है, ताकि ये हमारे फेस पर अच्छे से सेट हो जाए। नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है फाउंडेशन। तो यहाँ पे आलिया भट्ट ने बहुत ही मिनिमल मेकअप किया है। सो आप इसी जगह के कोई भी सीसी क्रीम या बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन इन दिस शेड 228 सॉफ्ट 10। सो ये वाला फाउंडेशन बहुत ही लाइट वेट आता है, और आलिया भट्ट ने ये वाले लुक में मिनिमल मेकअप किया हुआ है, इसीलिए मैं ये वाला फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। सो मैं डॉट डॉट करके पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करूँगी। याद रखना कि हमें बहुत ही मिनिमल मेकअप करना है, इसीलिए थोड़ा सा ही अप्लाई कीजिए। सो मैं इसे एक वेट ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सो मैं यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मैं ये सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर। तो इसके लिए मैंने लिया है मेबलिन फिट मी का कंसीलर इन दिस शेड 25 मीडियम। सो गाइज, ये भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। आपको मिनिमल मेकअप करना है तो आप मेबलिन फिट मी का ये फाउंडेशन और कंसीलर ज़रूर से यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा आता है। मैं काफ़ी टाइम से ये ही यूज़ कर रही हूँ। सो मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, अंडर आइज़ पे, नोज़ पे और थोड़ा सा फोरहेड पे अप्लाई करूँगी, और इसे वेट ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो आपको कलर करेक्टर का यूज़ करना चाहिए कंसीलर से पहले। अगर आपको थोड़े बहुत डार्क सर्कल है तो आपको क्या करना चाहिए कि आप जो भी कंसीलर यूज़ कर रहे हो तो आपकी स्किन टोन से एक शेड डार्क कंसीलर आपको यूज़ करना होगा। इसके ऊपर आपकी स्किन टोन से वन शेड लाइटर कंसीलर आप यूज़ करें और इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दें। सो ये करने से आपके जो डार्क सर्कल है वो कवर हो जाएगी। सो गाइज, मैं यहाँ पे मेरे अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का इंस्टेंट एज इरेजर इन द शेड 120 लाइट। सो मैं यहाँ पे मेरे बेस को अच्छे से सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैका स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड NC42। सो मैं इसे अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी। आप चाहे तो ट्रांसलेशन पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ किया है। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी लूज पाउडर। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन फिट मी का लूज पाउडर इन द शेड 25 मीडियम। सो मैं इसे अपने अंडर आइज पर अप्लाई करूँगी, जहाँ जहाँ पर मुझे लगता है कि हाइलाइटिंग एरिया है वहाँ पर मैं इसे अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं मेरी आईब्रोज को फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ फैशन कलर का ये आईब्रो पैलेट। इसके साथ एक छोटा सा ब्रश आता है, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मॉर्फी का आईब्रो डिफाइनर ब्रश। सो यहाँ पे आलिया भट्ट ने अपनी आईब्रोज बहुत ही नेचुरल रखी है। सो आज मैं मेरे जो आईब्रोज का नेचुरल शेप है वही शेप में मैं इसे फिल करूँगी। सो मैं मेरी आईब्रोज के लिए नायका की आईब्रो पेंसिल ही यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ये फैशन कलर का आईब्रो पैलेट यूज़ किया है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ आई मेकअप। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट, और इसे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ये वाले शेड को अच्छे से अप्लाई करूँगी पूरे फेस पर। मैं यहाँ पर मॉर्फी का ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और एक न्यूड ऑरेंज शेड लेके पूरे आईज पर अप्लाई करूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड, और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैं मॉर्फी का ये वाला ब्रश लूँगी और थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड लेके अपने क्रीज लाइन पर इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, और हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड हो जाने के बाद पहले हमने जो शेड लिया था लाइट ऑरेंज, वो शेड लेके दोनों शेड को आपस में मर्ज करना है और अच्छे से ब्लेंड करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ नायका की काजल पेंसिल। ये आईलिड पर अच्छे से अप्लाई करूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी लाइट ब्राउन शेड को लेके। सो मैं इसे अपनी वाटर लाइन पर भी अच्छे से अप्लाई करूँगी, और थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट लगे इसके लिए मैं ब्राउन शेड को लेके अच्छे से इसे ब्लेंड करूँगी।
सो मैं ये वाला पतला सा ब्रश लेके ब्राउन शेड को लेके अपनी काजल को अच्छे से ब्लेंड करूंगी, जिसे स्मोकी लुक आए। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो लूज पाउडर यूज़ किया था, इसे मैं एक क्लीन ब्रश की हेल्प से अच्छे से पूरे फेस पर से रिमूव करूँगी। नेक्स्ट मैं ये वाले लाइट ब्राउन शेड को लेके अपनी वाटर लाइन में जो काजल लगाई थी, इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मस्करा, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का क्लोजर मस्करा। मैं यहाँ पे अपर लैशेज और लोअर लैशेज पर अच्छे से अप्लाई करूँगी। यहाँ पे आलिया भट्ट ने कोई भी तरह के फॉल्सेस यहाँ पे यूज़ नहीं की है, इसलिए मैं ओनली मस्करा ही यूज़ करूँगी। हमारा आई मेकअप डन हो गया है। अब बारी है ब्रॉन्जर, ब्लशर और हाइलाइटर की। तो मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ हुला ब्यूटी का ब्रॉन्जर। मैं यहाँ इसे अपनी चीक बोन से थोड़ा सा नीचे और जॉ लाइन पर और फॉरहेड पर अप्लाई करूँगी और नोज पर भी अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैक का ब्लशर। इसे अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये नायका का ब्लश ब्रश। मैं अपने चीक बोन पर इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा नोज पे और चिन पर अप्लाई करूँगी। हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। मैं इसे अपने चीक बोन पर, क्यूपिड्स बो पर, लिप्स के ऊपर, चिन पर और ब्रिज ऑफ द नोज पर और थोड़ा सा फोरहेड पर अच्छे से अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये वाला पतला सा पॉइंटर ब्रश और ये वाले शिमरी शेड को लेके मैं अपने क्यूपिड्स बो पर और आईज के कॉर्नर्स पर अच्छे से अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब बारी है लिप लाइनर की। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर की लिप लाइनर इन दी शेड 04 10 फैन। लिप लाइनर के बाद मैं इस यहाँ पे यूज़ करूँगी लिपस्टिक। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर की लिपस्टिक इन दी शेड 29 मॉली ब्राउन। आप देख सकती हूँ कि मैंने कितनी ज़्यादा यूज़ की हुई है, मेरी फेवरेट लिपस्टिक है ये। हमारा मेकअप हो गया है डन। ये है मेरा फाइनल लुक। आपको मेरा ये लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू।